और ये सूर्यास्त होते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है जो कि पटना के गाय घाट पर स्थित है। और इस ब्रिज का निर्माण इस मोटिव से किया गया था कि यहाँ के लोकल व्हीकल यानी छोटा बाइक या साइकिल को जाने में आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसका निर्माण किया गया। क्योंकि ये आप देख सकते हैं वहाँ पे कि देखिए वहाँ पे एक गाड़ी एक साइड की रुकी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और एक गाड़ी एक लाइन की गाड़ी जा रही है और एक लाइन की गाड़ी वहाँ स्टॉप है। जब इस लाइन को रोका जाएगा तो फिर इस लाइन की गाड़ी को छोड़ा जाएगा। तो इसलिए मतलब छोटे व्हीकलों के लिए ये पुल का निर्माण किया गया था। और ये पुल बहुत ही खूबसूरत है देखने में, अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर आए। और आप देख सकते हैं गंगा नदी का कितना बेहतरीन नज़ारा, इतना क्लोज से आप कभी जिंदगी कभी बोले तो कभी भी ज़िंदगी में आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते, इतना क्लोज से, इतना मतलब डीप जगह पे हम लोग जाके यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इस जगह पर देखें जरूर आके। बेहद फोर्स वाले धार पे इस पुल को स्टेबल करना बहुत ही हमको लगता है इंजीनियर लोग के लिए बहुत ही मतलब टैलेंट की जरूरत पड़ा होगा। आप देख सकते हैं इस पुल को स्टेबल करने के लिए वहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे एकदम बहुत डीप में इस वायर को मतलब ब्लॉक किया गया, मतलब होल्ड किया गया बहुत ही मतलब शिकंजे से कि इस पुल को आगे गंगा नदी के धारा के दौरान आगे ना चला जाए। गंगा नदी का धारा आप देख सकते हैं कितना तेज है, इसे स्टेबल किया गया उसके सहारे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टेबल है। इसे हर आप लगभग बोले तो 100 फीट पे इसे आप देखेंगे, इसे ये हर एक वायर को दिया गया। इस तरह से पानी कितना स्टेबल यानी सिंपल तरीके से आ रहा है आप देख सकते हैं। और आप इधर आके देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इस पानी मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं भक्तचंद्र को। ओ भाई क्या ही गाड़ी आया। ब्रिज टूट गया था उसका फिर से निर्माण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही तेज यानी बोले तो बहुत ही तेज तरीके से काम चल रहा है, बहुत ही तेज तरीके से काम चल रहा है गाइस देख सकते हैं। तो गाइस ऐसा की स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा कैसा लगा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।